हाय दोस्तों, वेलकम टू कासिम मोटो। कासिम मोटो चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और अच्छा टॉपिक ये वो है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अब यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर काफ़ी सारे ऐड आने लगे हैं मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का कोर्स देने के लिए, यानी कि मोटरसाइकिल का काम सिखाने के लिए ऐड आते हैं। और ऐसे में हमने देखा है बहुत जगह, जैसे कि दिल्ली हो गया है, राजस्थान हो गया है, गुजरात है, हरियाणा है, तमिलनाडु, ऐसे जगहों पर मैकेनिक का कोर्स दे रहे हैं, चाहे वो 3 महीना का हो, 4 महीना का हो या फिर 6 महीना का हो। और इसके लिए कुछ चार्ज भी रखते हैं, जैसे कि 40,000 तक, 30,000 तक, 20,000 तक, इस तरीके से वो चार्ज रखते हैं। महीने का भी चार्ज रखते हैं, एक महीने भी में भी कोर्स दे देते हैं और 30-40 हज़ार रुपये वो चार्ज रखते हैं। तो इस तरह का वो वीडियो देखकर, ऐड देखकर मुझे मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं, या फिर मेरा नंबर जिसके पास होता है तो वो कॉल करते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, क्या हम इस तरह का ट्रेनिंग लेकर एक अच्छे खासे मैकेनिक बन सकते हैं, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मोटरसाइकिल रिपेयरिंग जैसे वीडियो लेकर आता रहता हूं और फ्री में आप लोगों को सिखाता हूं, कोई भी पैसा पे करना नहीं होता है। आज हम दोस्तों 2018 से काम कर रहे हैं और तकरीबन 6-7 साल हो गया मुझे, और 6-7 साल के अंदर मैंने कोई भी 1 रुपये भी चार्ज मांग नहीं किया। जितना भी मेरे चैनल में वीडियो मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री में आप लोग वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल के अंदर सारी जानकारी मिलेगी। आप लोग चाहे तो विजिट करें, जो कासिम मोटो चैनल लिखा हुआ है उस पर जब क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो आप लोगों को मिलेगा। अलग अलग तरीके से वीडियो हम डालते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सीधा टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर हम किसी ऐसे टेक्नीशियन के पास अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनके पास रह के काम सीखते हैं, तो क्या हम एक अच्छा खासा मैकेनिक बन सकते हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। और ख़ास करके अभी तो BS6 बाइक आ गया, BS6 में जो FI सिस्टम है, जो पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम आ गया है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। देखिए, हमारा जो लाइन है, जैसे कि मेरा एक गैरेज है, मेरा शॉप है, तो मेरे शॉप में भी बहुत लड़के लोग रह के काम सीखते हैं और उसको टाइम कम से कम 3 साल देना पड़ता है। अगर कोई अच्छा लड़का रहा, तेज़ दिमाग है, काम भी दुकान पर अच्छा खासा आता रहा, डेली काम मिल रहा है, हर कंपनी की बाइक आ रही है, बहुत सारे बीमारी को लेकर आ रही है वर्कशॉप में, तो वो क्या होता है कि 3 साल में वो मैकेनिक बन जाते हैं। और एक टाइम था कि 5 साल लग जाता था हम लोग, क्योंकि उस समय उस टाइम ज़्यादा गाड़ी भी नहीं था, ठीक है, और जल्दी जल्दी बीमारी भी नहीं आती थी। अभी सर्विस सेंटर में काम ज़्यादा आता है और बहुत सारी बीमारी को लेकर आते हैं, तो वो चीज़ें जो है सीखने वालों के दिमाग में, जहन में वो अटता है और वो जल्दी से सीख जाते हैं। तो तकरीबन अगर देखा जाए तो किसी भी वर्कशॉप में, गैरेज में या फिर शोरूम में अगर कोई रह के काम सीख रहा है तो उन्हें कम से कम 3 साल लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय बिताएंगे तो भाई 4-5 साल भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मात्र 1 साल के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मात्र 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, यानी कि एक मैकेनिक बना दिया जा रहा है ट्रेनिंग करके, कोचिंग सेंटर खोल के। तो क्या हम इसमें एक अच्छा खासा मैकेनिक बन सकते हैं, तो चलिए मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, वहाँ पे क्या होता है गाइस, जिस तरीके से हम लोग एक पढ़ाई करते हैं शुरू से लेकर अंत तक, समझ रहे हैं, एक पहला क्लास से लेकर जब हम इंटर तक कोर्स करते हैं, तो शुरू से लेकर हम इस तरीके से पढ़ाई करते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि किताब में जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे वो चीज़ क्या हो रहा है कि मेरे दिमाग में वो घुस रहा है, वो मेरा मतलब ऐड हो रहा है मेरे मेमोरी में, ठीक है। वो एक हम समझिए कि इंटर तक एजुकेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दोस्तों होता तो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप लोग सीखने जाते होंगे 3-4 महीने के लिए अगर आप वो कोर्स लेते हैं, तो 4 महीने के अंदर जो आपको सिखाया जाता है इंजन को खोलकर सारे पार्ट्स के बारे में, जैसे गियर बॉक्स के बारे में, कि गियर बॉक्स किस तरीके से काम करता है, गियर बॉक्स को खोल के उसको वापस फिटिंग करना, इसके बारे में बताया जाता है। कार्बोरेटर खोल के, कार्बोरेटर के पूरे डायग्राम को बताया जाता है, कार्बोरेटर खोल के उसको सेटिंग कैसे करना है, कार्बोरेटर के सारे पार्ट्स, पुर्जा के नाम के बारे में आपको बताता होगा, ओवरफ्लो, पेट्रोल कैसे आता है, पेट्रोल कैसे जाता है, पेट्रोल कैसे मिक्सचर होता है,
ये सारी जानकारी दोस्तों आप लोगों को मिलता है। क्लच प्लेट फिटिंग कैसे करें, क्लच प्लेट का जो फ्लाईव्हील वगैरह होता है ये सारा काम कैसे करता है, मैग्नेट का टाइमिंग, टाइमिंग चेन का टाइमिंग इस तरीके से, और कॉइल के बारे में, करंट कैसे जनरेट होता है मैग्नेट से और आगे सीडीआई तक कैसे पहुंचता है, सीडीआई से एचटी कॉइल तक कैसे पहुंचता है, और एचटी कॉइल से लेकर फिर इग्निशन, ये सब चीज़ें दोस्तों किस तरीके से स्पार्क प्लग तक करंट जनरेट होता है, ये सारी आप लोगों को मतलब एक पढ़ाई दिया जाता है कि यहाँ से ऐसे शुरुआत होगा, वहाँ से वो करंट जितना सप्लाई करेगा, तो ये सब आप लोगों को मतलब सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को दिमाग में आ रहा भाई कि यहाँ से करंट ऐसे चेक करना, ये जो कॉयल है ये इस चीज़ के लिए है और वो कॉयल उस चीज़ के लिए काम करता है, बैटरी चार्जिंग कैसे काम करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ जो आपको बताऊंगा वो शायद ये हिला देने वाली बात होगी, तो आप बने रहें। इसके साथ ही वायरिंग, पूरा जो वायरिंग होता है बाइक का, वायरिंग के बारे में बताते हैं, इंडिकेटर किस तरीके से काम कर रहा है, बैटरी का कनेक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, हॉर्न का कनेक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, मीटर काम कैसे करता है, डिजिटल मीटर काम कैसे करता है, स्पीड मीटर कैसे काम करता है, फ्यूल मीटर काम कैसे करता है, ये सारे डायग्राम आप लोगों को दिखाते हैं और आपको बताते भी हैं। ठीक है, और जैसे FI बाइक आ गई है तो FI बाइक में भी यही सेम बताया जाता है कि SEG कॉइल जो है वो किस तरीके से काम करता है, फ्यूल पंप में पेट्रोल कैसे आता है कैसे जाता है, और वहाँ पर करंट कितना सप्लाई करना चाहिए, टोटल बॉडी में कितने सेंसर लगे हुए हैं, सारे सेंसर का नाम आप लोगों को बताया जाएगा, इग्निशन सिस्टम पूरा बताया जाएगा। यानी कि एक तरफ से बाइक के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी हुई है, स्टार्टिंग को लेकर, बैटरी चार्जिंग को लेकर, सारे चीज़ का डायग्राम आप लोगों को बताते हैं कि इस तरीके से ये वर्क करता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर में जो गाड़ी रखी हुई होती है, वहाँ पे हर बीमारी को लेकर तो नहीं रखी हुई होती है। जैसे कि एक आम मैकेनिक के पास डेली आती है, जैसे कि भाई मैंने आज बैटरी लगाया, 2 दिन में डिस्चार्ज हो गया, इसकी जानकारी शायद आपको नहीं मिलेगी, बाइक का बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको बता सकते हैं कि ये कॉइल इस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, मिसिंग हो रही है, दब रही है चाल, इसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे फॉल्ट लेकर वहाँ पे नहीं आते हैं। वहाँ पे जो भी बाइक होगी, चाहे वो ख़राब भी होगी, तो ये सब सारी फॉल्ट को लेकर वहाँ पे नहीं होता है। इंजन ख़राब है, धुआं दे रहा, तो इंजन खोल के कैसे बनाना है उसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। फॉल्ट को लेकर ज़्यादातर जैसे कि गाड़ी मिसिंग हो रही है, 40-50 के बाद स्पीड नहीं बन रही है, इसके बारे में आप लोगों को शायद जानकारी नहीं मिलेगी वहाँ पर। फ्यूल पंप काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें भी थोड़ा बहुत आप लोगों को कन्फ्यूज़न रह जाएगा। ECU कॉइल ख़राब है या नहीं है, इसमें भी थोड़ी बहुत आप लोगों को कन्फ्यूज़न रह जाएगा। पूरा यहाँ पे आप लोगों को 4 महीने के अंदर, यानी कि एक पक्का मैकेनिक, आप अगर देखा जाए तो मैं डायरेक्टली कहना चाहूँगा कि पक्का मैकेनिक आप यहाँ पे नहीं बन सकते हैं। जी हाँ, लेकिन एक बात है दोस्तों, जिसके पास समय कम है तो वो क्या कर सकते हैं, वो ये कोर्स लेकर 4 महीने के अंदर। दरअसल होता क्या, 4 महीने के अंदर हम लोगों के पास जो कोई रहता है तो उसको हम इस तरीके से पारी पारी तो नहीं समझा सकते हैं कि कार्बोरेटर कैसे काम करता है, जितनी सारी चीज़ मैंने बताया उतना सारा चीज़ वो डायरेक्ट नहीं बता सकते, एक पढ़ाई वो उसे नहीं करा सकते कि भाई ये काम कैसे करता है, जो वर्कशॉप में गैरेज में रहते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको एक कोर्स मिल रहा है, ये सारी चीज़ों की जानकारी मिल रही है, तो मैं तो आपको कहूँगा कि ये कोर्स आपको लेना चाहिए, भले ही आपका पैसा 40-50 हज़ार या फिर 1 लाख एक बार में खर्च हो जाए, लेकिन एक आम वर्कशॉप से अगर वो एक ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो उसमें कितना आपको अंतर मिलेगा, करीब 2-2.5 साल का अंतर आप लोगों को मिल जाएगा। ये सब जितनी भी जानकारी वो लोग देते हैं, उस जानकारी को हासिल करने के लिए आपको 2-2.5 साल लग जाएंगे किसी वर्कशॉप में रह के, और वही चीज़ आप लोगों को 4 महीने के अंदर मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग जो आप लेंगे, ट्रेनिंग लेने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। और वो लोग भी कहते हैं, वो मास्टर लोग जो होते हैं, जो टीचर है, वो भी कहते हैं कि देखिए हम जो काम आप लोगों को सिखा रहे हैं, इसके बाद करीब 20%, कम से कम 20% आपको मतलब किसी गैरेज में रह के आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, वहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो इसीलिए कहते हैं कि जब किसी गैरेज में रहेंगे वो, तो वहाँ पे ये सारे चीज़ मिसिंग को लेकर, फॉल्ट को, छोटी मोटी फॉल्ट को लेकर वो जब वर्कशॉप पर गाड़ी आती है तो वो चीज़ जो है उसके दिमाग में आएगा, उसके जहन में आएगा
कि सर ने ये बताया कि ये कॉइल के बारे में, तो हमें ये चेक करना है। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा दिन गैरेज में रह के, तो आप पक्का मैकेनिक बन जाएंगे और यहाँ पर कहीं भी फेल नहीं होने वाले हैं। तो मैं क्लियर कर देता हूँ लास्ट में दोस्तों, यानी कि अगर आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स लेकर आप सारे पार्ट्स के बारे में जानिए, सारे डायग्राम के बारे में जानिए 3-4 महीने के अंदर। उसके बाद आप किसी वर्कशॉप में, किसी गैरेज में रहिए और थोड़ी बहुत कम से कम एक एक साल उसको उसमें टाइम दीजिए, और फिर देखना भाई आप जो मैकेनिक बनेंगे कोई आपको हिला नहीं पाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जो महाराष्ट्र में महेश भाई है, तो उनसे आप लोग संपर्क कीजिए। महेश भाई एक अच्छे मैकेनिक भी है, उसका एक्सपीरियंस काफ़ी पुराना है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उसके अंदर, और वो आप लोगों को सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे। BS 4-3, BS 6 के बारे में, तो जितने भी गाड़ियां चल रही पहले की, BS 3, BS 4 कार्बोरेटर वाली गाड़ी, उसका जानकारी आप उनसे बहुत ज़्यादा हासिल कर पाएंगे। BS 6 में थोड़ी बहुत कंफ्यूज, BS 6 की जो फुल जानकारी है अभी कोई भी नहीं दे पा रहे हैं। और हाल ही में मैंने एक ऐड देखा जो दिल्ली से है, नाम में मुझे याद नहीं है, मैं वैसे लिख दूंगा उसका नाम लेके, या फिर आपको पता है तो आप लोग ज़रूर लिखिएगा। तो वहाँ पर मैंने सुना है कि उल्फत अंसारी जो एक यूट्यूबर है वो पहुँच रहे हैं और वो ट्रेनिंग दे रहे हैं BS 6 को लेकर। तो आप लोग चाहें तो वहाँ पर भी रह के काम सीख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये कोर्स लेने के बाद एक बार मैकेनिक किसी गैरेज में रह के भाई थोड़ा दिन समय देना, 1 साल के लिए समय देना। उसके बाद देखना भाई आपके अंदर जो जानकारी भरेगी, जो आपका मेमोरी मतलब फॉल्टेड को लेकर भरेगा, हर चीज़ को लेकर, वो धीरे धीरे आगे चल के कितना कामयाब होगा आप खुद सोच पाए, सोच नहीं सकेंगे। तो दोस्तों ये कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें कासिम मोटो यूट्यूब चैनल को, कासिम मोटो फेसबुक पेज को और कासिम मोटो इंस्टाग्राम को। मैं वैसे झारखंड का रहने वाला हूँ, गोड्डा जिला पड़ता है, और गोड्डा जिला के अंदर जो महागमा हनवारा क्षेत्र है, छोटा सा एक विलेज है मेरा नरेनी, नरेनी में ही मेरा वर्कशॉप है। यहाँ पे काम अच्छा खासा आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बाहरी लोग जो मुझे कॉल करते हैं, सर मैं आपके पास रह के काम सीखना चाहता हूँ, तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि सर देखिए आप लोग तो रहेंगे लेकिन मैं कितना लोगों को रख सकता हूँ, बस 1-2 लोगों को, ज़्यादा उससे ज़्यादा तो नहीं रख सकता। अब बहुत सारे लोग जो मुझे कॉल करते हैं, सर मैं काम सीखना चाहता हूँ, तो काम सीखने के लिए यही बेस्ट जगह है जो ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ रह के थोड़ा दिन समय दीजिए, और फिर किसी वर्कशॉप में रह के आप अपना हाथ का सफाई कीजिए और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू।